टॉप 40 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, जनरल साइंस के जो बेहतरीन 40 क्वेश्चन हैं जो कि आज तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। तो अगले 30 क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाके पार्ट वन भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। हाँ, और आपकी जनरल साइंस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही होगी, तो आप यूँ ही हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, हाथ में, पैर में, इस तरीके के ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पे होता है या किस चीज़ से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, कहाँ पे होता है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, किस चीज़ से होता है। और एक ये क्वेश्चन आपको एक और तरीके से मिल सकता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट से होता है या सेकेंडरी। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट से होता है क्योंकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये सब हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। सेकेंडरी पूछा जाए तो विटामिन, मिनरल्स और वाटर। इसमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी से हमें एनर्जी मिलती है और सेकेंडरी से हमें 0 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, मतलब उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वाटर, मिनरल, विटामिन, इन सबसे एनर्जी कितनी कितनी मिलती है, तो 0 किलो कैलोरी आप टिक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है। विटामिन ए यकृत में सबसे ज़्यादा संचित होता है, यकृत को लीवर कहते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी सीरियल में, इसी बार ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, मूत्र दुर्गंध देता है। तो यूरिन से जो दुर्गंध आती है उसकी वजह है यूरिया, यूरिया के कारण यूरिन से दुर्गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच होता है, मानव मूत्र का पीएच आपसे पूछा जाए तो 6 होता है। ये पीएच वैल्यू वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको रेलवे के पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं, जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी पूछा जाए यकृत, लीवर। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो पुरुष क्रोमोसोम, मतलब पुरुष गुणसूत्र पे डिपेंड करती है या महिला गुणसूत्र पे। तो ये पुरुष गुणसूत्र पे डिपेंड करती है। हाँ, गुणसूत्र से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और यहाँ पे बनते हैं, जो कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाती है जो कि 46 होती है, 46। और अगर पूछा जाए कितने पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा। तो पित्त, जो पित्त है वो यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन आरंभ होता है, भोजन का पाचन जो है मुख से आरंभ होता है। ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, प्लीहा के और एक 2 नाम है, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं और हिंदी में एक और नाम है इसका तिल्ली। तो ये तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ब्लड बैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्लड बैंक, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, WBC श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इसे, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगर इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, उसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल, लाइफ स्पैन यहाँ पे पूछा जा रहा है WBC का। WBC का लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन होता है। और लाल रक्त कण RBC, रेड ब्लड कार्पसल्स, इसका लाइफ स्पैन अगर आपसे पूछा जाए 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कण का निर्माण, ये क्वेश्चन देखिए अभी हमने बताया और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये इस बार पूछा भी गया था आरआरबी जेई में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड होता है। 23 सेकंड में रक्त जो है वो शरीर में परिभ्रमण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है वाटर का, कि मनुष्य के शरीर में मतलब जल की मात्रा कितनी होती है वो परसेंटेज में बताना हुआ है। तो 65 से लेकर 80% तक मानव शरीर में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या बतानी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे कि शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पसलियों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य का हृदय होता है, कितने कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में? यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठक ये होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोष्ठक अब तक किसके हृदय में पाया गया है, तो कॉकरोच, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में तिलचट्टा कहते हैं, तो तिलचट्टा के पास 13 कोष्ठक वाला हृदय होता है। देखने में तो बहुत छोटा सा होता है पर उसके हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं कॉकरोच के। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। शरीर का ताप नियंत्रक, टेम्परेचर कंट्रोलर किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। सबसे छोटी ग्लैंड पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी पूछा जाए यकृत, और ताप नियंत्रक ग्रंथि पूछा जाए या फिर शरीर का ताप नियंत्रक पूछा जाए हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को शरीर का ताप नियंत्रक कहते हैं। आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत